Hello friends, welcome to my channel Versatile. Today we are going to discuss on a topic that is URI movie and its interesting facts. Three facts we are going to discuss. One is POK, second one is Paresh Rawal, who has played Govind character in the movie, and third one is Ronnie Screwala, who is producer of this movie. First fact that we have to discuss is about POK. Now we know that in 1947, India as whole country is divided into two parts, India and Pakistan. Later on in 1971, Pakistan is divided into two parts, Pakistan and Bangladesh. We have to discuss about Jammu and Kashmir as a whole state. Now you can see in this map, Jammu Kashmir's territory is shown, total territory is this. But during partition in 1947, England government has given three options in front of princely states. Princely states matlab aise state the jo unka rajya khud chalana chahte the ya fir wo independent the us time. Aur unke samne teen option diye gaye the. Ek to wo Pakistan mein ja sakte the, India mein reh sakte the, ya unki independent rajya wo khud chala sakte the. To baki to 500 state ne Nehru ji ke leadership mein, Patel ji ke netrutva mein और माउंटबेटन ने बनाए गए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इंडियन डोमिनियन में एक्सेशन ट्रीटी साइन किया था और वो भारत में शामिल हो गए थे. बट एक ऐसा राजा था, राजा हरि सिंह, जो जम्मू एंड कश्मीर का, वो अपना खुद का राज्य खुद चलाना चाहता था. ना ही वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, ना ही इंडिया में शामिल होना चाहता था. बाई रिलीजन ये राजा हिंदू था और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज मुस्लिम पॉपुलेशन. इसीलिए पाकिस्तान को वो किसी भी हालत में जम्मू एंड कश्मीर को हासिल करना था. बट उसने तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया था कि वो कौन से भी देश में शामिल नहीं होना चाहता है. इसी बीच पाकिस्तान ने उनकी वेस्ट टेरिटरी से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे आक्रमण कर दिया और राजा हरि सिंह की सेना उस टाइम पे छोटी थी और पाकिस्तान का वो मुकाबला नहीं कर सकती थी. इसीलिए राजा हरि सिंह ने लोगों के हित के लिए और जम्मू कश्मीर के सेफ्टी के लिए भारत से मदद मांगी. बट जब तक कोई भी प्रिंसली स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में बनाया गया था वो जब तक साइन नहीं करते तब तक भारत जम्मू एंड कश्मीर को टेक्निकली मदद नहीं कर सकता था. इसीलिए राजा हरि सिंह ने वो साइन करने के बाद भारत ने अपना सैन्य उधर भेजा और पाकिस्तान और भारत में युद्ध चालू हो गया. इसी को इंडिया और पाकिस्तान का फर्स्ट वॉर बोलते हैं. इंडिया ये वॉर चाहता नहीं था. टेक्निकली जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो चुका था बट पाकिस्तान वो मानने के लिए राजी नहीं था. ये वॉर एक साल तक चला बट इससे होने वाला नुकसान टालने के लिए भारत ने यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच किया और यूनाइटेड नेशंस ने 1948 के एंड में ये बोला कि जहाँ पे पाकिस्तान अभी आया है और इंडिया जहाँ पे आया है वहाँ पे वॉर को रोक दें. और वो वॉर जहाँ पे रुक गया उस लाइन को उस टाइम पे लाइन ऑफ कंट्रोल बोला गया और उस टाइम पे पाकिस्तान ने जितना कश्मीर का कब्जा लिया गया था उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं और भारत के पास अभी जितना जम्मू एंड कश्मीर का टेरिटरी है उसको पाकिस्तान इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलता है. बट टेक्निकली जम्मू एंड कश्मीर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने की वजह से वो भारत का हिस्सा है और जो कि 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट में भी इंग्लैंड ने लिखा गया है. तो टेक्निकली तो जम्मू एंड कश्मीर का वो पार्ट भारत का है बट पाकिस्तान वो मानने को रेडी नहीं है और बाकी कंट्रियाँ उसका गलत फ़ायदा लेके इंडिया को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं. तो ये सारी हिस्ट्री POK की है. तो टेक्निकली POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ डेफिनेटली द पार्ट ऑफ इंडिया बाई लीगल डॉक्यूमेंट्स बट पाकिस्तान वो मानने के लिए राजी नहीं है. यूनाइटेड नेशंस में इसमें ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकता है क्योंकि बाकी दो देशों का उसके ऊपर प्रेशर है और पाकिस्तान ने इसके आगे जाके उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कुछ पार्ट चाइना को दे दिया है सो दैट चाइना इंडिया के ऊपर प्रेशर बना सके. ये तो थी POK की बात. हम दूसरी जो चीज़ बताना चाहते हैं वो परेश रावल जिन्होंने गोविंद कैरेक्टर का रोल किया है. ये रोल अजीत डोवाल
जो अभी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडियन गवर्नमेंट के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये ऐसा पोस्ट है जो सारी सिक्योरिटी कंडीशन में इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने के लिए मदद करता है, और उसके ओपिनियन के बिना कोई भी सिक्योरिटी का डिसीज़न अपने कंट्री में लिया नहीं जाता है। और सर्जिकल स्ट्राइक में भी सारी प्लानिंग ये अजीत डोवाल जी ने की थी। ये फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है। एज अ आईपीएस ऑफिसर उन्होंने कुछ समय पाकिस्तान में इंटेलिजेंस ऑफिसर करके बिताया है, जहाँ पे उनको बहुत सारा नॉलेज मिला था, और उसी नॉलेज का यूज़ उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के दरमियान किया था, और सारी प्लानिंग का एग्जीक्यूशन उनके हिसाब से ही हुआ था। तीसरे जो पर्सन हैं हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो है रॉनी स्क्रूवाला। ये मूवी इन्होंने ही प्रोड्यूस किया था, और इस मूवी के अलावा उन्होंने बहुत सारी सक्सेसफुल मूवी को प्रोड्यूस किया है, और बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं। ये यू मुंबा जो कबड्डी की टीम है, जो सेकंड सीजन विनर था, उनके ये ओनर हैं। इन एडिशन टू दैट, अभी जो प्रो वॉलीबॉल लीग चालू हुआ है उसमें जो यू मुंबा वॉली की टीम है उसके भी ये ओनर है। और ये रॉनी स्क्रूवाला जो है ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर मीन्स उनके पहले किसी ने भी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं किया है। ही इज़ ऑल्सो राइटर ऑफ एन बेस्ट सेलर बुक, दैट इज ड्रीम विथ योर आइज ओपन। दिस बुक ही हैज़ रिटन फॉर एन एंटरप्रेन्योर्स। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।